वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज। आप सब लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आशा करती हूँ कि ये नया साल आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, अच्छी हेल्थ लेके आए। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ डोनट की रेसिपी, जो बनाने में बहुत ज़्यादा इजी है और दिखने में तो आप देख ही रहे हो, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस न्यू ईयर पे आप ज़रूर ये स्नैक्स की रेसिपी ट्राई कीजिए। 31st है, 31st को तो बहुत से लोग बाहर ही पार्टी करते हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं, बट नेक्स्ट डे हम लोग ये ऐसे स्नैक्स बना के बच्चों को खिला सकते हैं और घर पर अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये ईजी सी रेसिपी कैसे बनती है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी तक जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नई सी रेसिपीज़ ये आने वाले नए साल में देखने को मिले। आप मिस तो करना नहीं चाहोगे ना। तो चलिए फिर देखते हैं फटाफट से इस साल की आखिरी रेसिपी, मेरे साथ देखिए और इन्जॉय कीजिए। तो डोनट बनाने के लिए सबसे पहले जो है, यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप गुनगुना सा दूध है। इसमें अब मैं डाल दूँगी 3 बड़ी चम्मच भर के शुगर, या आप 4 भी कर सकते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए। और उसके साथ ये मैं डाल रही हूँ ड्राई ईस्ट। ये इजीली अवेलेबल हो जाता है किसी भी ग्रॉसरी शॉप में, हमें ड्राई ईस्ट ही चाहिए। ये 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डाल दूँगी। ये एक्चुअली पूरा दो ही है। और इसे हम लोग एक हल्के हाथ से स्टर दे देंगे और इसे हम लोग ढक के जो है रख देंगे एक 5 मिनट्स के लिए, ताकि ईस्ट जो है वो अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाए ल्यूकवॉर्म मिल्क में। ये मैंने 2 कप भर के मैदा लिया है। अब उसमें जो है हम लोग डाल देंगे 1/2 टेबल स्पून नमक, जिससे कि टेस्ट थोड़ा उभर के आता है डोनट का। उसके साथ मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबल स्पून भर के ऑयल, और इसे हम लोग अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। पहले हमें ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ही मिक्स कर लेना है, और फिर उसके बाद जो है हम लोग इसमें वो एक्टिवेटेड ईस्ट वाला मिल्क डाल के इसे हम लोग अच्छे से गूंथ लेंगे। अगर आप चाहते हो तो ऑयल की जगह पे आप लोग इसमें बटर भी यूज़ कर सकते हो। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है और 5 मिनट्स भी हो चुके हैं। ये देखिए, यहाँ पे ईस्ट भी अच्छी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब हम इसे धीरे धीरे इसमें डालते जाएंगे और इसे हम लोग एक अच्छा सा सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। ये आटा थोड़ा पतला ही होता है फ्रेंड्स। अच्छे से हमें इसे मिक्स करते रहना है। आटा अच्छे से लग गया है, ये ऐसा स्टिकी ही आटा होता है ईस्ट की वजह से। अब जो है हमें इसे कम से कम 7 से 8 महीने तक अच्छे से गूंथ लेना है। अब चाहिए तो इसको नीचे प्लेटफॉर्म पे भी निकाल के अच्छे से गूंथ लीजिए मलमल के। इसको जैसे गूंथ लिया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल भी लगा लिया है। एक 7 से 8 महीने तक मैंने इसे अच्छे से गूंथ लिया है। अब जो है हम लोग इसे कवर करके इसे किसी वॉर्म जगह पे रखेंगे कम से कम 1 घंटे के लिए, जिससे कि ईस्ट बहुत अच्छे से एक्टिवेट हो, कि प्रूफ हो जाए, मतलब कि बहुत अच्छे से फूल जाता है। तो अब हम लोग इसे अच्छे से कवर कर देंगे। एंड आप चाहे तो किसी भी वॉर्म जगह पे गैस के बगल में, या तो फिर आप किसी भी कबड़ में भी इसको रख सकते हैं, जिससे कि ये बहुत अच्छे से वार्मनेस इसे मिले और अच्छे से ये फूल के आ जाए। 1 घंटा हो गया है और ये देखिए कितना अच्छे से फूल गया है। मैंने बैटर को निकाल के एक स्टील में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि मुझे इसे कबर्ड में रखना था किसी वार्म जगह पे, और ये बहुत अच्छे से फूल चुका है। ये देखिए, अब हम लोग इसे अच्छे से एक बार गूंथ लेंगे और डोनट्स बनाना शुरू कर देते हैं। आटे को मैंने नीचे ले लिया है और अभी हम लोग थोड़ा सा मैदा इस पर ऐसे डस्ट करके इसे अच्छे से गूंथ लेंगे, ताकि वो चिपचिपा ना हो। या तो आप चाहे तो थोड़ा सा ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से गूंथ लेना है। आटा अच्छे से मैंने गूंथ लिया है एक 5 मिनट के लिए। और यहाँ पे जो है बटर पेपर जो है, जिससे हम लोग मतलब केक के लिए बेस यूज़ करते हैं, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेज में से काट लिया है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने मैदा जो है उसे डस्ट कर दिया है। और थोड़ा सा हम लोग ऐसे मैदा हाथ में ले लेंगे, और आप ऑयल भी ले सकते हैं, और आपको जितना साइज़ चाहिए डोनट का उस हिसाब से आप एक इससे लोई निकाल लीजिए और इसे ऐसे गोल कर लीजिए।
और एक एक पेपर पे हम लोग रखते जाएंगे। इसे फ्राई करने से पहले हमें एक 10 मिनट के लिए और छोड़ देना है, उसके बाद ही हम लोग इसे फ्राई करेंगे। आपको जो शेप चाहिए, जो साइज चाहिए, उस हिसाब से आप डोनट बनाते जाइए। हम लोग एक कटोरी ले लेंगे, उसके पीछे थोड़ा सा हम लोग ऐसे मैदा लगा के इसे ऐसे हल्के हाथ से दबा लेंगे। आप कटोरी नहीं यूज़ करना चाहते तो आप हाथ से भी इसे दबा सकते हैं। ऑयल पे यहाँ पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, हमें ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं चाहिए। लो टू मीडियम फ्लेम पे मैंने ऑयल गरम करने रख दिया है। अब जो है, अगर आप चाहते हो तो इसके बीच में जैसा एक प्रॉपर डोनट होता है वैसे आप इसमें एक होल कर दीजिए ताकि वो एक प्रॉपर लुक आ जाए। या आपके पास अगर डोनट कटर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कुकी कटर भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई और शेप अगर आप चाह रहे हो डोनट का तो आप उसे भी कर सकते हो। ऑयल भी हमारा मीडियम हॉट हो चुका है, मैं थोड़ा सा पीस डाल के चेक कर लेती हूँ। ये काफ़ी है, हमें इसे ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तो अब जो है हम एक एक डोनट का पीस ऐसे ले लेंगे और इसे हल्के हाथ से हम लोग इसमें फ्राई कर लेंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है अच्छी तरह से, ताकि कच्चा ना रहे हमारा डोनट। एक वक्त पे जितने आप डाल सकते हैं उतने ही डालिए, ओवर क्राउडेड मत कीजिए क्योंकि उन्हें थोड़ा स्पेस चाहिए रहता है अपने आप मूवमेंट के लिए। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और डोनट देखिए बहुत अच्छे से फूल चुके हैं। अब जो है हम इन्हें हल्के हाथ से टर्न कर लेंगे। यहाँ देखिए बहुत ही बढ़िया से डोनट बनके तैयार हो जाते हैं, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में, और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगते हैं फ्रेंड्स। ये डबल द साइज़ हो जाएगा और इन्हें हमें लो फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लेना है। यहाँ देखिए डोनट्स बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं एंड बहुत ही बढ़िया सा परफेक्ट सा कलर आया है। अब जो है हम इसे इन्हें निकाल लेते हैं एंड देखिए आप डबल द साइज़ हो गए हैं। बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी से और टेस्टी से डोनट बनते हैं, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल भी नहीं रहता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जल्दी से बन जाती है। और यहाँ पे कुछ मैंने हार्ट शेप के डोनट्स बनाए हैं, अब मैं इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। आप कोई भी शेप बना सकते हैं। ये वाले डोनट्स भी बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, तब तक आइए हम इन डोनट्स को थोड़ा सा गार्निश कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने वाइट चॉकलेट है जिसे मेल्ट कर लिया है, उसके साथ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, और ये मेरे पास आइसिंग शुगर है। चॉकलेट कैसे मेल्ट करनी है बिना हार्ड हुए, वो मैंने वीडियो डाल रखी है जहाँ पे मैंने बाउंटी चॉकलेट बनाने की रेसिपी पोस्ट की है। तो आप ऊपर आई बटन को क्लिक कर दीजिए और वहाँ पे आप चॉकलेट मेल्ट करने का देख लीजिए। प्लस मैंने यहाँ पे थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम भी लिया है, व्हिप्ड क्रीम को मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल दिया है। ये नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम है, एक कोई भी नोज़ल आप जो चाहिए नोज़ल आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं एक डोनट ले रही हूँ, उसको मैं डार्क चॉकलेट में, ब्राउन चॉकलेट में थोड़ा सा डाल डिप कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने कुछ स्प्रिंकलर्स लिए हुए हैं, अब जो चाहिए जैसे चाहिए आप उसे डेकोरेट कर सकते हैं। बच्चों को तो बहुत मज़ा आती है ये डोनट्स खा के। इसके ऊपर से आप इसके ऊपर से जेम्स की चॉकलेट्स भी रख सकते हैं, आप जो चाहिए इसे गार्निश कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं फ्रेंड्स। आप व्हिप क्रीम नहीं यूज़ करना चाहे तो आप स्किप भी कर सकते हैं, बट व्हिप क्रीम के साथ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगते हैं डोनट।
इसके ऊपर आप जो चाहिए वो डाल सकते हैं, चॉकलेट चिप्स डाल सकते हैं। और ये वाला जो है इससे मैं ऐसे ही रखूँगी, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा आइसिंग शुगर जो है ये डाल दूँगी, इसे मैं प्लेन रखती हूँ। इसके साथ आप सिनेमन पाउडर भी मिक्स कर सकते हो तो वो भी बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स, आइसिंग शुगर विद सिनेमन वाला टेस्ट आता है उसमें। ये थोड़ा गर्म रहता है ना, अब तभी इसमें ये डाल दीजिए ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। आई मीन फ्रेंड्स, बढ़िया से डोनट जो है वो बनके रेडी है। मैंने इन्हें बहुत अच्छे से गार्निश कर दिया है, यहाँ देखिए। और यहाँ पे मेरी न्यू ईयर पार्टी की तैयारी भी हो चुकी है, काफ़ी सारे स्नैक्स भी बने हैं। अब हम लोग फटाफट से एंजॉय कर लेते हैं। आप भी आपके फैमिली के साथ जाइए, फटाफट से ये डोनट की रेसिपी बनाइए और बढ़िया सी न्यू ईयर की पार्टी एंजॉय कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर एंड टेक केयर फ्रेंड्स, मिलती हूँ आपसे अब अगले साल। बाय बाय।